स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नेम सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 तक देख लिया था हमने। अब हम आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, और ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका 4.7 के एप्लीकेशंस ऑफ द सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो जो सिंपल आपको जो डेटा दिया हुआ है ना, तो वो जो डेटा है डेटा में से इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करो। तो एग्जांपल नंबर 8, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। देखो फिर से बोल रहा हूँ, आराम से पढ़ो। तो आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला है। कि एक सेंटेंस दिया है, क्या सेंटेंस है, द सम ऑफ, तो सम करो पहले, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर। तो हमको नंबर फाइंड करना है, नंबर पता नहीं है तो हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, तो हमने एक्स मान लिया। सम ऑफ नंबर, तो ये सम, तो बीच में प्लस किया हुआ है, सम, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। 3 टाइम्स ऑफ द नंबर मीन्स नंबर कितना है, एक्स, एक्स का 3 टाइम्स, सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर मीन्स 3x, एंड 11 मीन्स यहां पे 11। तो ये लेफ्ट साइड वाला डेटा हो गया, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोला है, देखो फिर से, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, तो ये नंबर, नंबर का 3 टाइम्स, तो 3x, तो सम, तो बीच में पहले सम किया है, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर एंड 11, एंड 11 इज इक्वल टू 32। कितना दिया है, 32। अब अगेन ये तो हमारा इक्वेशन हो गया, अब इसको सॉल्व करना तो हमको आता ही आता है ना। तो क्या करेंगे, दोनों साइड 11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस 11 के साथ में यहाँ पे माइनस 11 और यहाँ पे भी माइनस 11, तो ये 11 कैंसल, तो 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 11, तो हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा, 21। अब ये 3x है और ये 21 है, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड करो, क्या करो, 3 से डिवाइड करो, तो 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा, 7। तो x इज इक्वल टू 7 आपका आंसर हो गया। फिर से पूछा ऐसे था कि द सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो नंबर x है उसका 3 टाइम्स, सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर एंड 11, तो प्लस 11 इज इक्वल टू 32, इज इक्वल टू कितना है, 32। तो सम ऑफ 3 टाइम्स द नंबर, तो एक x नंबर ले लिया उसका 3 टाइम्स और 11, तो 11 दोनों का प्लस किया इज इक्वल टू 32, यहाँ पे भी 11 है, तो क्या करो, दोनों साइड 11 को सब्सट्रैक्ट करो, दोनों साइड 11 को सब्सट्रैक्ट करो, तो यहाँ से भी 11 कटेगा, यहाँ से भी 11 कटेगा, 3x इज इक्वल टू 21 डिवाइड, दोनों साइड 3 से डिवाइड करो, क्या करो, तो यहाँ 3 कट जाएगा तो 21 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7। देखो अब ये जो सेंटेंस है ना उसको समझो पहले, 1/4 ऑफ द नंबर, तो x, x का 4th, 1/4 है x का, वो क्या है, सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7, मीन्स ये जो 1/4 है ना वो 7 से 3 ज्यादा है, तो 7 से 3 ज्यादा, ज्यादा मीन्स प्लस, तो 7 प्लस 3 कर दिया, तो 7 प्लस 3, तो x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना होता है, 10। अब ये भी 4, ये भी 4, तो क्या करो, दोनों साइड यहाँ पे डिवीजन में है तो दोनों साइड 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई, तो 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये x बाय 4 के साथ में 4 मल्टीप्लाई और 10, 10 के साथ में भी 4 मल्टीप्लाई, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 14, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 14, ये है 14। अब देखो हमने जो इक्वेशन बनाया था वो सही है कि गलत है वो हमको फाइंड करना है, हमने ये इक्वेशन बनाया था ना, तो x की जगह पे रखो आप कितना रखो, आंसर आया वो 40 रखो, तो 40 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आया 10, तो 7 प्लस 3 भी 10 है, तो राइट हैंड साइड भी 10, लेफ्ट हैंड साइड भी 10, मीन्स हमने जो भी इक्वेशन बनाया ना वो हमारा वाला जो इक्वेशन है वो सही है। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। एग्जाम्पल 10 की ओरली बात कर देते हैं, राजूस फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द राजू एज,
तो 3 times राजू की एज ले लो, तो राजू की एज वाली उसका 3 times, उससे 5 years मोर तो 4 + 4, तो क्या आ जाएगी राजू की एज क्या आ जाए, सॉरी उसके फादर की एज आ जाएगी। राजूज फादर एज कितनी है, 3 times राजू की एज से 5 ज्यादा है और राजू के फादर की एज की 44 दिया है, तो 3 times + 4 3 times + 5 = 44। अब सामने दोनों साइड 5 से सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 5 चला जाएगा, तो 44 को 5 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो 44 - 5 तो 39, तो 39, तो ये यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 39 है, तो दोनों साइड क्या करो 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करो, तो y = आंसर आ जाएगा 13। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8, 9 and 10। तो 8, 9, 10 में क्या किया कि आपको एक सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस को आपको पहले कन्वर्ट करना है किसमें, सिंपल आपके इक्वेशन में। सेंटेंस दिया है सेंटेंस को इक्वेशन में, और इक्वेशन के बाद तो आपको वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो तो पता ही है, वो तो हम तो करते ही आते हैं। ओके,